हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगेन बहुत ही प्यारा मीशो साड़ी हॉल होने वाला है। आज के हॉल में मैं अगेन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सर्च करके साड़ियां लाई हूं और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से इजिली आप इन सबको बाय कर सकते हो। ये जो साड़ी मैंने वेयर की हुई है, ये भी मीशो की है एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें इसकी डिटेल्स आ जाएगी। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। अभी स्टार्ट करते हैं आज का हॉल, जो कि है बहुत ही प्यारा सा। फर्स्ट साड़ी है ऑर्गेन्जा में, बहुत ही प्यारी सी ऑर्गेन्जा साड़ी। भी वेयर करने के बाद बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है बट लुक बहुत अच्छा आता है। इसका कलर समर के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा सा है। जैसे ये पिक में मुझे दिख रही थी, सेम उसी तरह की रिसीव हुई है। पार्टी फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट पीस है। अब देखो किनारी पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, बहुत ही अच्छी सी, जो कि सीक्वेंस एंड जरी की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये देखो किनारी पे एंड इस तरह से कटवर्क में इसका बॉर्डर है। जब इसको आप डार्क कलर की ब्लाउज के साथ पेयर करोगे ना, तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि अभी मैंने देखो रेड के साथ बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। तो ये लाइट कलर की साड़ी है, समर में इस तरह के कलर बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। बीच बीच में इस तरह से ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी एंड किनारी पे इस तरह की, पल्लू पोर्शन के साइड भी इस तरह की, और पल्लू पोर्शन पे पूरे पे ये टसल्स आपको मिल जाएंगी। इस पे पूरे पल्लू पोर्शन पे लगी हुई है 5-6 टसल्स इस टाइप से। और ये है इसका पल्लू पोर्शन, जिसमें बीच में इस तरह की और किनारी पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। पास से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और ओवरऑल साड़ी आपको इसी तरह की मिल जाती है। इसमें भी आप देखोगे ना, फैब्रिक में हल्की हल्की सी ना व्हाइट कलर की ऐसे लाइनिंग दी हुई है, जो कि अंदर से ही है, प्रिंट में फैब्रिक में दी हुई है। आई थिंक कैमरे में उतनी अच्छे से नहीं दिख रही होगी। अंदर तक आपको ये साड़ी मिलेगी इसी तरह की, और जो अंदर प्लेट्स पोर्शन आएगा ना, उस पर ये फ्लावर नीचे नीचे है, ऊपर की साइड प्लेन है और ये बॉर्डर मिलेगा। अंदर से काफी पोर्शन आपको प्लेन मिलेगा, जो कि है 1 मीटर, और 1 मीटर से इतना पोर्शन ज्यादा प्लेन मिल जाता है, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट है। थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि बैक साइड पे प्लेन आएगा, बट साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है ये। इसका जो ब्लाउज है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, डार्क पिंक कलर में है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ब्लाउज में भी हैवी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ये आप देखो फ्रंट पे इस तरह से ये नेक पे हैवी एम्ब्रॉयडरी आएगी ब्लाउज पे, जो कि बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरह से। और ये सारा है प्रिंट इस तरह का, तो ये ब्लाउज बनने के बाद ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली है। एंड मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंड साड़ी है। स्लीव्स पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी आएंगी, ये आप स्लीव्स पे लगवा सकते हो। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी एक स्लीव्स पे और दूसरी स्लीव्स पे। और बैक के लिए प्लेन पोर्शन है, तो बैक आप यहाँ से निकलवा सकते हो साइड में से इस तरह से। तो ये साड़ी ब्लाउज बनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, और ये साड़ी इसी ब्लाउज के साथ अच्छी लगने वाली है। इस ब्लाउज के साथ इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट साड़ी हमने रखी है सिल्क में, बहुत कम प्राइस में। इसका प्राइस अब जब आप सुनोगे ना, आपको बिलीव नहीं होगा, एंड इसकी क्वालिटी सुपर पाई है उस प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें कलर ऑप्शन आई थिंक आपको और भी मिल जाएंगे। मैंने ये येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस प्राइस में इस तरह की क्वालिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह की क्वालिटी मुझे नहीं लगता इस प्राइस में मिल सकती है, जिस तरह की इसकी क्वालिटी है। सिल्क है, फैब्रिक है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ऊपर नीचे सेम इस तरह का बॉर्डर मिल जाएगा, जिसमें जरी का वेविंग वर्क है इस तरह का। एंड इसका लुक बहुत अमेजिंग आने वाला है वेयर करने के बाद। बीच में इस तरह की है, और ये आप देखो बीच बीच में ना ये गोल्डन कलर के वेविंग वर्क से इस तरह की ये डिजाइनिंग है पूरे ही साड़ी पे बीच बीच में। तो ये इस तरह की साड़ी है, जिसका लुक आप देख सकते हो वियर करने के बाद बहुत अच्छा आने वाला है। ऊपर नीचे सेम बॉर्डर है, एंड बॉर्डर की चौड़ाई ना काफी अच्छी है। इतना बॉर्डर जब आप प्लीट्स भी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा आता है। तो ये इस तरह की साड़ी है। इसका पल्लू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पल्लू पे कुछ इस तरह का ये इस डबल शेड में ये पल्लू पोर्शन है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है इस तरह का। और साइड में ये टसल्स हैं। तो जिनको इस तरह की साड़ियां पसंद है ना, वो इस साड़ी को जरूर बात कीजिए। सिल्क में कोई कंफर्टेबल अफोर्डेबल साड़ियां अगर आप सर्च कर रहे हो, तो ये बेस्ट पीस है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ये कलर भी बेस्ट है अगर आपको ये पसंद आता है तो। इसका ब्लाउज इसी में अंदर के साइड आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, जो कि है 1 मीटर फैब्रिक दिया हुआ है। इजीली आपका ब्लाउज बन जाएगा। हल्का ब्लैक शेड इसके अंदर है, और ये वाली डिजाइनिंग है, बॉर्डर है ऊपर नीचे। तो आप चाहो तो इसके साथ ब्लैक ब्लाउज भी वेयर कर सकते हो, प्लेन ब्लैक भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और आप बनवाना चाहो तो ये बनवा भी सकते हो, ये भी काफी प्यारा लगेगा।
ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है, इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, सुपर साड़ी है, जरूर आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट साड़ी पार्टी फंक्शन के लिए बेस्ट पीस है, बांधनी प्रिंट में है एंड इस तरह की साड़ी ना मतलब जब आप वेयर करो तो बहुत हैवी लुक आता है। कुछ जगह है जैसे कि राजस्थान में या फिर इधर कुछ जगह है जहां पे ये साड़ी को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है उसमें ना बांधनी प्रिंट में, तो ये साड़ी उसमें बहुत ही प्यारे कलर के साथ एंड बहुत ही अच्छे लुक के साथ मिल रही है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये आप देखो, सबसे पहले तो इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो जो कि बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, पिंक ऑरेंज इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत प्यारा सा लग रहा है। बाकी क्लियर होगा आप उसको ट्राई ऑन में जब देखोगे, वैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैं अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो साड़ी आपको अंदर से मिलेगी उसमें ना इस तरह का प्रिंट है ऑरेंज कलर का, ये इस तरह की, ये अंदर से साड़ी इस तरह की है, इस तरह का प्रिंट है। प्रिंट आप देखो कितना प्यारा सा है, सारा प्रिंट अंदर से है और नीचे के साइड बहुत हैवी बॉर्डर क्रिएट करा गया है। ये आप देखो इतना चौड़ा सा बॉर्डर, तो ये एकदम परफेक्ट है जो न्यूली मैरिड है या फिर पार्टी फंक्शन के लिए आपको इस तरह की साड़ी चाहिए। लाइक इसका स्टाइल ना बिल्कुल लहंगा स्टाइल आएगा, बहुत हैवी स्टाइल आएगा जब आप इसको वियर करोगे। आप इसको लहंगा स्टाइल में भी वियर कर सकते हो और नॉर्मली भी वियर कर सकते हो। आप देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग से एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, ये लेस लगा के ना बॉर्डर बनाया गया है इस तरह से। फिनिशिंग आप देखो पास से बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो नीचे तक ये पूरा एग से ना प्लीट्स पोर्शन तक ऐसे ही आपको मिल जाता है यही वाला प्रिंट, और जहां से ये टर्न होके आ रही है वहां पे प्रिंट चेंज हो गया है, कुछ इस तरह का प्रिंट हो गया है जो कि छोटा छोटा वाला प्रिंट है ये, और इसमें भी कुछ इस तरह का, ये आप देखो इस तरह का प्रिंट है ये ऐसे, और नीचे के साइड भी ये ऐसे आ रहा है और बीच में ये इस तरह से, तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आने वाला है वियर करने के बाद। साड़ी बहुत हैवी, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा, बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं होगा बट लुक बहुत अच्छा आएगा, और बॉर्डर यहाँ पे मिलेगा इतना चौड़ा वाला। साइड में आप देखोगे ये मोती वाली लेस भी लगी हुई है और ऊपर और नीचे सेम है ये। पल्लू पोर्शन पे मैं दिखाऊं तो पल्लू पोर्शन पे थोड़ी ये चौड़ी वाली ब्रॉड कर दी है बॉर्डर, ये इस तरह का, और ये मोती वाली लेस है। तो ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा पीस है। इसका ब्लाउज है सिल्क वाले फैब्रिक में जो कि अंदर के साइड यहाँ अटैच करा गया है इस तरह का, 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है और इस पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, तो ब्लाउज आप बनवा सकते हो। वैसे ब्लाउज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दी हुई है जितनी अच्छी साड़ी है ये, पर ठीक है आप चाहो तो बनवा सकते हो, नहीं तो अलग से फैब्रिक लेके भी आप इस पे बनवा सकते हो, या फिर पिंक कलर का कोई ब्लाउज है वो भी बनवा सकते हो। वैसे उतनी बुरी क्वालिटी नहीं है कि आप ना बनवा पाओ, आप चाहो तो बनवा सकते हो, बट साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, एकदम हाईली कमेंट पीस है। जिनको बांधनी प्रिंट में कोई साड़ी चाहिए उनको बहुत अच्छा लुक आने वाला है। नेक्स्ट साड़ी पिक में आप देखिए, बहुत ही डिजाइनर साड़ी थी, इसका ब्लाउज बहुत प्यारा था, साड़ी सिंपल सी थी, सेम उसी तरह की साड़ी मुझे रिसीव हुई है, ऑर्गेन्जा में है ये, इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। मुझे इस तरह की साड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है जो सिंपल सी साड़ी होती हैं और जिनका ब्लाउज बहुत हैवी होता है, तो ब्लाउज जैसा दिखाया गया था सेम है। पहले मैं इसकी साड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में साड़ी है सिंपल सी, और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा जब आप वेयर करोगे इस तरह की। फैब्रिक भी अच्छा है ऑर्गेन्जा में, इस तरह का फैब्रिक जब आप वेयर करते हो ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो देखो फैब्रिक होता है बट लुक बहुत अच्छा आता है। किनारी पे आप देखोगे ये पूरी पे इस तरह की लेस लगी हुई है ये, और पल्लू पोर्शन के साइड ये इस तरह वाली लेस लगी हुई है, हल्की सी लटकन वाली लेस, और पूरी साड़ी पे इस तरह की सिंपल सी लेस है। ये ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है सिंपल सी, क्योंकि इसका ना ब्लाउज बहुत हैवी है तो साड़ी बहुत सिंपल रखी गई है। जब इसका ब्लाउज बन जाएगा और आप उसके साथ वेयर करोगे तभी इस साड़ी का लुक आएगा, ऐसे ये साड़ी बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखो कितना प्यारा दिया हुआ है, ये सिंपल सी साड़ी है, इसका ब्लाउज आप ऐसे ही देखो कि जब ये ब्लाउज बन जाएगा तो ये साड़ी कितनी प्यारी लगेगी, सिंपल सी साड़ी और इस तरह का ब्लाउज। इसका ब्लाउज अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका जो ब्लाउज आएगा वो आएगा ऐसे, इसका फ्रंट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वी नेक में आएगा फुल्ली एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये आप देखो एम्ब्रॉयडरी धागे की सीक्वेंस की बहुत ही अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है, सिल्क वाला फैब्रिक है, ब्लैक कलर का बेस है इसका, ये फ्रंट है और ये है इसकी स्लीव्स, दोनों स्लीव्स इधर दी हुई है ये, ये आप देखो ये स्लीव्स हैं बहुत हैवी वाली, और बैक और फ्रंट एक जैसा है ये आप देखो,
ये फ्रंट है और ये बैक है, दोनों पे हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, और ये स्लीव्स हैं। तो ब्लाउज बहुत हैवी है, सिंपल सी साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। ऐसे आप देखो जब आप इसको वियर करोगे ना तो इसका कलर कॉम्बिनेशन, जैसे साड़ी ये पिक में थी ना उससे भी ज्यादा प्यारी ये वियर करने के बाद आपको लगेगी, क्योंकि जब इसका लुक पूरा ब्लाउज बनने के बाद आप इसको वियर करोगे ना तो ये एक डिजाइनर पीस रेडी होगा। तो ये साड़ी अगर आपको पसंद आ रही है आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की साड़ियां ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो ये साड़ी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये, जो कि है कॉटन सिल्क में, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। समर में इस तरह की साड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, और टीचिंग वगैरह अगर आप करते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो, तो इस तरह की साड़ियां टीचर के ऊपर तो बहुत परफेक्ट लगती है। जो टीचर है वो इस तरह की साड़ियां वेयर करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड बहुत ही परफेक्ट लगती है। आप देखो इस तरह की कॉटन में ये साड़ी है, कॉटन सिल्क में इस तरह की, इसमें हल्का हल्का सा रेड येलो कलर आ रहे हैं बीच बीच में, वैसे व्हाइट है, और पूरी साड़ी पे ये बॉर्डर दिया गया है जो कि है रेड कलर का। समर के अकॉर्डिंग प्यारा सा पीस है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, एकदम परफेक्ट लुक आपको मिलेगा। ब्लाउज इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसमें ब्लाउज आपको अलग से वियर करना पड़ेगा, तो रेड कलर का ब्लाउज आपके पास जरूर होगा तो आप वो वियर कर सकते हो। बाकी पूरी साड़ी इस तरह की, ये मैं दिखा रही हूँ आपको पल्लू पोर्शन इस तरह का, और बीच में से है इस तरह की, बीच में से पूरी साड़ी इस तरह की मिलेगी, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह की। पूरे पे ये डिजाइनिंग है, ये ना थोड़ा सा अंदर से ही ना बुनावट में ही है पूरी इस तरह की, और किनारी पे बॉर्डर है ये वाला, और फिर ये रेड कलर का, तो इस तरह की पूरी साड़ी मिलेगी ये आपको इस तरह की। ये ओवरऑल साड़ी पे इसी तरह का है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लाउज इसमें नहीं मिलेगा, और अंदर से कुछ पोर्शन इसमें आएगा प्लेन, जो 1 मीटर पोर्शन है जो अंदर के साइड आ जाएगा, उसके बाद ये वर्क स्टार्ट होगा, लाइक डिजाइनिंग स्टार्ट होगी जो कि बुनावट में ही है। तो ये साड़ी काफी प्यारी है, रेड कलर के ब्लाउज के साथ आप इसको वियर कर सकते हो, मतलब लुक वाइज बहुत अच्छी है एंड कम्फर्टेबल है। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से इजिली आप इन सबको बाय कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा हॉल, आई होप कि ये हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। कैसे लगा है आज का हॉल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन सी साड़ी आपको ज्यादा पसंद आई है, कौन सी आपको अच्छी लगी है वो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आप किस तरह के हॉल्स वीडियो देखना चाहोगे वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मिलूंगी आपसे एक बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।